स्लम दोस्तों में एकदम ऐसे लोग ठीक होंगे। अरे मैं बैठा है, उसने आके सारे चीज को खोला है और ये देखें, ये आज क्या न्यू सेटिंग करवा दी है आपने, ये देखिए। मैं मेरे पापा का पापा जल लेकर पर जाली नहीं मिली, मैंने ऐसे ईंटें लगा दी, ये ठीक ना लग रही, कमेंट करके मुझे बता देना। क्योंकि दोस्तों ये ना हमारा कैच जो था ना माशाल्लाह काफी बड़ा था और ये जो जगह थी ना एक्स्ट्रा खाली थी और हमारे जो चिक्स है ना ये वाले माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हैं और इनको रखने के लिए जगह नहीं थी हमारे पास, तो हमने और अजान ने कहा कि पापा हम इस तरह इसकी ना सेटिंग, ये वाली सेटिंग जो है ना ये कर देते हैं, इस तरह ये जो हमारा कैच होगा ना ये खाली हो जाएगा। और ये जो कैच हमने इतना बड़ा जो कैच हमने बनाया था ना, ये इसी वजह से हमने बनाया था कि जितने भी हमारे ये जो चिक्स वगैरह हैं ना ये सारे इस पे आ जाएं। तब ये ईंटें लगी हैं, ईंटें लगाने की वजह से जितने भी हमारे चिक्स होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। अंडा दे दिया है, अंडा दे दिया है, देखो तो जाके अंदर खोलो तो। वो तो वो सरप्राइज कैसे हुआ, वो तो मुझे इसने पहले ही बता दिया। सरप्राइज तो वो होता है जब हम कोई नया परिंदा लेके आए तो वो सरप्राइज होता है, ये सरप्राइज तो नहीं, ये तो अंडा दे दिया, अच्छी बात है। किधर जा रहे हो, एक बच्चा जाए ना, चलो ध्यान से। हाँ वो लक्के ने दिया है, हाँ जी। हाँ, चलो ठीक है, उसको उठा के देखो तो उसने दिया उसने अंडा, आराम से आराम से आराम से। हाँ जी दिया, पर नजर नहीं आ रहा, इंटे तो साफ पड़ा। चलो ना छोड़ो, फिर आ जाओ। उसका अंडा ना गोल नहीं, उसका अंडा ना ऐसे कर, लक्के का अंडा बड़ा होता है ना इसलिए ऐसे कर, आ जाओ। दोस्तों कबूतरी के पार्टी के 5-7 दिन तक इसके बच्चे भी हमारे आने वाले हैं, क्योंकि इसको अंडों पे बैठे हुए तकरीबन 12-15 दिन हो गए। ये बेटा मैंने बनाया है, आपने इस दीवार को टच नहीं करना, ठीक है, वरना गिर जाएगी। अगर ये दीवार गिरी ना तो ये हमारे जितने भी पीजन है ना वो एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हैं, इसको आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है, ऐसा ऐसे को छेड़ना नहीं, ठीक है। अच्छी बच्ची हो ना, ठीक हो गया। ये चिक्स को कुछ डालो, भूखा है बेचारा। हाँ डाइट वगैरह इसको डाल दी थी ना, वो इनका पानी वगैरह इसको डालकर चिक्स को इधर बंद कर दो। हमारी डक को आपने दाना डाल दिया था, ये डाला तो है। हाँ बस ठीक है, डालो और ना डालो इनको, बस करो इसको डाल दो। किसको डक को इसका डालनी है? हाँ डाल दो। यार काफी दिन हो गए हैं आपने अपने खुमरे लव बर्ड डायमंड डव और ज़ेब्रा फिंच उनका नहीं दिखाया, वो क्या क्या कर रही हैं, किस सूरत हाल में। और यार ये यार अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है, ये वाला जो हमारा पीर लक्का कबूतर जो एक्सपायर हो गया था ये इधर ही पड़ा हुआ, वो बच्चा तो कब का दिया हुआ, बड़ा तो काफी बड़ा हो गया होगा। ये हमारे पीजन का क्या हुआ, ये देखो। उसका उसका बेबी है छोटा सा ना, दाना डाल दिया आपने? ये खड़ा भी हो गया। हाँ जी, ये कबूतरों का ये हमारे जितने भी चिक्स हैं उनका पानी बंद कर दो और हम अपने लव बर्ड जो है उनकी तरफ चलते हैं, और लव बर्ड भी हमने दूसरे डूब में रखे हुए हैं और लव बर्ड के साथ जो है किसके वाला गंदा पानी है। अच्छा चलो चलो पिंजरे को बंद करो सारे चिक्स को, चलो आप चलो वो दूसरे भी लेके आओ, चलो आप भी जाओ ना साथ है। रास्ता तो छोड़ो उनका, रास्ता तो छोड़ो ना उनका, तो वो एक गया किधर गया वो देखो। दोनों दो गए, अब बोलने बोलने नहीं आना। चलो उनको भाई वो वहां से बाहर निकाल लो, चलो आगे। ओए तो बाहर नहीं जा रहे, ओए ले आज तो
ठहरो मैं इधर करता हूँ। चलो चल चलो ड्राओ इसको, मुझे निकालो इधर। चल दूसरी को निकाल। चल दोबारा खोल, अब दोबारा खोल दो दोबारा। चलो चलो देखना कैसे जाती, पीछे हो जाओ। चलो छोड़ो, चलो जान मुझे उधर, चलो आप उस तरफ चलो। चलो बेटा ऐसे प्यार से बंद करते होते तभी बंद होते, आप तो उसको डराने लग जाते। चलो बंद करो दोबारा इसका। चलो अब हमारे दो कैच खाली हो गए हैं, और एक कैच में क्या रखना है वो भी कैच खाली हो गया, ये भी कैच खाली हो गया, क्योंकि ये कैच क्या हुआ कट कर ली। चलो करो बंद। हमारी मुझे कहानी में कुछ बात बताना चाह रही है, क्या बताना है? ये एक चीज था, इसमें गोल रख लो, छोटे छोटे मोर ले आए, मोर के बच्चे। हाँ। की बात ठीक हो गया, मोर के बच्चे। हाँ, मोर के वो ना इसके यहाँ इसमें काम क्या डाले थे वो टर्की बर्ड। चलें ठीक हो गया, हम ना आज शाम को टर्की बर्ड या मोर के बच्चे लेके आएंगे, और वो हम इस कैच में जो है ना वो छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो कैच एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो इनमें भी कुछ ना कुछ लाना होगा। ये हमारी सेटिंग हो गई है, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, लेके आएंगे मोर के बच्चों को, उनको वो बाद में कार पे बैठा करेंगे। हम यहाँ ना वो बोल रहेंगे फूल उगाएंगे यहाँ पे। तो अब माशाल्लाह ये चिक्स जो है ना वो काफी खुले हो गए हैं, इनकी जगह भी काफी ज्यादा खुल गई है। अब अंडा वगैरह देने के लिए इनकी एक छोटी सी कटोरी ला के रख देंगे, ताकि अंडा वगैरह देना तो दे दें। फूल ऊपर बैठेंगे, और हमारे जो मोर वो भी उठ के बैठेंगे, जब बारिश आएगी वो खुले रहेंगे, उनकी मर्जी जाएगी। ये बेबी जो है ना अपनी मम्मा के साथ खाना खा रहा है। क्या कह रहे हो? वो उनके पास चलते हैं। क्या हुआ? अंडा अब मैं आपको दिखाने के लिए आ जाऊं। अम्मा दिखा रहे हैं। रहने दो, क्या दे रहे अंडा वो इनके साथ रहने दो, बैठे रहने दो, रहने दो ठीक है। और ना जाओ बाहर पर, अंदर जाओ, फिर कबूतर मार डरते। हाँ जी बताओ क्या है? देखो चल जा रहा है। हाँ बीबी चल रहा है, जब बड़ा आएगा ना तो कबूतर जैसा चले ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लगा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।